आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार के सितारे में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का राशिफल। जानेंगे कि आज ज्योतिष के हिसाब से, फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और आज आपका दिन यानी कि आज आपका राशिफल क्या कहता है, कौन सी राशियां आज मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेंगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे बाजारों के सितारे में। लेकिन बाजारों के सितारे में और आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, अपनी ग्राहकी बढ़ा सकते हैं, चाहे लॉकडाउन लगा हो या ना लगा हो। जी हाँ, आ गई है एक ऐसी ऐप जिससे आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आपका पहले से कोई कारोबार हो या फिर आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़े। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस, MYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना है, फोन में इंस्टॉल करना है और सिंपली अपना एक स्टोर बनाना है और स्टोर में अपने प्रोडक्ट्स लाइव कर देने हैं। जो जो आप जिस चीज़ का भी आप स्टोर बनाना चाह रहे हैं, आप उनके प्रोडक्ट चढ़ाकर अपना स्टोर लाइव कर सकते हैं और ऑर्डर्स पा सकते हैं। आपको इसके लिए एक रुपया खर्च नहीं करना, ऐप को फ्री में डाउनलोड करना है, फ्री में ही ऑर्डर्स आएंगे, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, किसी तरह के कोई हिडन चार्ज या फीस नहीं होगी। घर में बैठे बैठे भी आप सेल्स अपनी बढ़ा सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है, पार्ट टाइम कुछ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप घर बैठे बैठे भी इस ऐप से फायदा उठा सकते हैं और अपना कारोबार शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं बाजार के सितारे में राशिफल से। राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एप सीरीज पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 8 दिसंबर 2021। दोस्तों, आज के विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने चाहेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। याद रखिए, क्या बाजार ऊपर है या नीचे, क्या आपकी राशि आपको मुनाफा दे रही है या फिर आपके लिए खतरा साबित हो सकती है, आज का दिन बिल्कुल देखना ना भूलें। एग्रो कमोडिटीज पे होगी विशेष चर्चा, शेयर बाजार की हलचल के ऊपर होगी लगातार बातचीत और नॉन एग्रो कमोडिटीज बुलियन मेटल के अंदर क्या होंगी संभावनाएं, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। जी अखिलेश जी। कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे राशिफल के बारे में जानना चाहेंगे कि आज का राशिफल कैसा रहेगा, किन राशियों में अच्छा दिन रहेगा आज और किन राशियों को आज संभल के चलने की जरूरत है। अखिलेश जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्व यानी 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व को 3 राशियों का जुडिक्शन दिया गया है यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में रखनी है आपको अतिरिक्त सावधानी। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6 और 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन आज मिश्रित रुख रह सकता है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, अनिर्णय की स्थिति रह सकती है, विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं, इनके लिए संभवतः दिन आज मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, निर्णय लेने के अंदर कुछ गलतियां होने की संभावना बन सकती है। बड़े निर्णय लेने से पहले एक बार पुनः विचार कर ले, अपने निर्णय को एक बार पुनः जांच ले, विशेषकर 4 से 5 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। 4, 8 और 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन आज मिश्रित रहने की संभावना बन सकती है, गलतियां होने की संभावना बढ़ सकती है, आपको विशेष ध्यान दें। एक और विशेष सूचना और एक अद्भुत आप ज्योतिषीय विवेचना, 1980-81 में जन्म लेने वाले जो कारोबारी हैं उनके लिए सन 2022 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने की संभावना बनेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कमजोर ग्रह हैं तो मान सम्मान में कमी,
यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, नौकरी में समस्या, और यदि कारोबारी हैं और साझेदारी का बिजनेस करते हैं, तो साझेदारी के अंदर आपसी अनबन और व्यवसाय के अंदर परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपके ग्रह मजबूत हैं, तो मान सम्मान में वृद्धि, नए कारोबारी अवसर, तेज तरक्की के अवसर मिलने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। तो दोस्तों, आप ये आपका नफा या नुकसान आपकी जन्म पत्रिका में स्थित ग्रह डिसाइड करते हैं कि आपको कितना लाभ मिलेगा, या आप नुकसान में आएंगे, या आपकी परेशानियां हैं, या आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसको आपको एनकैश करना है। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से जाना कि आज का राशिफल कैसा देखने को मिल सकता है, किन राशियों में अच्छा दिन रहेगा, किन राशियों में आज थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर कमोडिटी बाजार की, तो कमोडिटी बाजार में सबसे पहले आपसे कृषि फसलों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, और सबसे पहले उन कमोडिटीज की चर्चा करने चाहूंगा आपके साथ जिन्होंने अचानक से उछाल मारा है, वो है मसाले। कर्नल अजय जी, हमने मसालों में एक बार फिर से अच्छी तेजी आते हुए देखी है, आपको क्या लगता है मसालों में आगे कैसा रुझान रहेगा और कौन सा मसाला सबसे बढ़िया बेहतरीन मुनाफा दे सकता है? अखिलेश जी, आपको याद होगा कि हम लगातार अपडेट दे रहे हैं मसाला पैक के अंदर लाल मिर्च और काली मिर्च के ऊपर, और यही आपको दर्शक बंधुओं को आपके जरिए साझा कर रहे हैं कि लाल मिर्च और काली मिर्च के अंदर तेजी की संभावना बनेगी। इसके अतिरिक्त मसाला पैक के अंदर जीरा भी मुझे अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और जो मध्यम अवधि के लिए भी कारोबार करना चाहते हैं उसमें धनिया पे भी नजर रख सकते हैं। धनिया कल भी हमने आपको आपको धनिया के ऊपर यानी कोरिएंडर के ऊपर तेजी की बात कही थी, जो अक्षर सत्य साबित हुई, और आपको याद होगा कल हमने गवार सीड के ऊपर तेजी की बात कही थी। गौरतलब है कि गवार सीड जैसा हाईली वोलेटाइल एग्रो कमोडिटीज जो एक तरफा ऊपर और नीचे चलता है, और पिछले कुछ सप्ताहों से गवार सीड के ऊपर अलग अलग बात भी बोली जा रही थी, लेकिन कल हमने आपको पूरा गवार सीड का जो विवेचन किया था, आपने देखा होगा कि कल एनसीडीएक्स के ऊपर गवार सीड और गवार गम के अंदर अपर सर्किट लगे, साथ ही स्पॉट मार्केट में एनसीडीएक्स से ऊपरी भाव बोले गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एनसीडीएक्स के जो भाव चल रहे थे उससे ज्यादा भाव स्पॉट के अंदर बोले जा रहे थे, देखे जा रहे थे, ये एक अच्छी सूचना गवार सीड को लेके थी। ये अखिलेश जी, जी तो यानी कि मसालों में काले मिर्च लाल मिर्च का अपडेट कर्नल अजय जी लगातार देते नजर आ रहे हैं, उनमें हमने तेजी भी बनते देखी, और इसके साथ साथ उन्होंने कल को जीरा और धनिया में तेजी की संभावना जताई थी जो कि 100% सत्य साबित होती नजर आई, और आज भी हम देख ही रहे हैं कि मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। वायदा में हल्दी 7,900 के करीब देखने को मिल रही है, और जीरा 16,100 के ऊपर फिर से निकल चुका है, और धनिये में भी 8,700 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है आज के दिन भी। कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर उस कृषि फसल की जिसमें सबसे ज्यादा इस समय किसानों की, सरकार की, पोल्ट्री वालों की नजरें टिकी हुई हैं, जो कि हमारी सोयाबीन। कर्नल अजय जी, सोयाबीन में हमने देखा है कि किसानों ने स्टॉक भी किया है, प्लांट वालों की तरफ से ऊंचे भावों पर खरीदारी भी देखी है, और जैसे कि आपने अपने पिछले इंटरव्यूज में मार्केट एम सीवी के माध्यम से बता दिया था कि कोई सोयाबीन की तेजी रोक सकता है तो रोक कर दिखाए, आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो सत्य साबित होती नजर आ रही है। अब यहां से आगे क्या सोयाबीन में आगे भी तेजी जारी रहेगी, और दूसरा क्या पोल्ट्री वालों की जो मांग सरकार ने अभी तक नहीं मानी है, तो क्या इसको मान लिया जाए कि अब तक पोल्ट्री वालों को सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है? अखिलेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि तिलहन के अंदर सोयाबीन की महत्वता का को इनकार नहीं किया जा सकता, और तिलहन के अंदर जब तक सोयाबीन के ऊपर हम चर्चा ना करें, उसकी तेजी मंदी की बात ना करें, तो तिलहन का के विवेचना और विश्लेषण पूरा नहीं हो सकता है। आपका जो अहम सवाल है कि सोया डीओसी की पर जो बात कर रहे हैं, और ये पोल्ट्री फार्म की जो उसकी बड़ी मांग है सरकार को, सरकार ने लगभग 1.5 महीने पहले सोया डीओसी की इंपोर्ट करने की जो इजाजत दी थी, वो सोया पोल्ट्री फार्म में पूरा उसका इंपोर्ट नहीं किया है।
और वो इंपोर्ट नहीं करने की एक वजह थी क्योंकि जो विश्वसनीय सूत्रों से और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सोयाबीन के उत्पादन के जो डाटा डिक्लेयर किए थे वो लगभग 119 लाख टन के थे, और पोल्ट्री फार्म के जो कारोबारी थे उन्होंने ये दिमाग में लगाया कि 119 लाख टन जो सोया की जो उत्पादन है और उससे सोयाबीन के दामों के अंदर बेताशा कमी भी देखी गई, 9 से 9.5 हजार रुपए का सोयाबीन 5 हजार या के आसपास जो ट्रेड हुआ, तो उस बेताशा गिरावट को देखते हुए सोया डीओसी की इंपोर्ट नहीं की गई। लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि देखिए कि सोयाबीन के ये दाम किसानों को पर्वता नहीं है, किसान इसमें किसी भी कीमत पर माल देने के लिए तैयार नहीं होंगे, और विशेषकर जो मिलर्स थे उन्होंने भी और मंदी की धारणा रखी और उन आंकड़ों को पर अपना विश्वास जता के, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब सोयाबीन के अंदर 5000 से बढ़कर 6900 आया तो उनको सबके होश उड़ गए क्योंकि उन्होंने वो शानदार अवसर गवा दिया था जो कि उनको हमने मार्केट टाइम्स टीवी और दूसरे विभिन्न टीवी चैनल के जरिए हमने आगाह किया था, और अब उनकी उनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्योंकि 5000 का भाव में उन्होंने अपना रॉ मटेरियल यानी सोयाबीन नहीं खरीदा, अब सोयाबीन के दाम लगभग 30% से अधिक हो गए हैं, अब उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या करें, ऊंचे भाव में खरीद लें या फिर थोड़ा ऐसे इंतजार कर लें कि नीचे आएगा। और सोया डीओसी के जो ये पोल्ट्री फॉर्म के जो कारोबारी हैं उन्होंने भी सोयाबीन को और गिरने की आशा के अंदर माल नहीं खरीदा। अब समस्या ये है कि यदि वो विशेषज्ञों की बात सुने, अपना दिमाग लगाएं, आंकड़ों पे नजर रखें, और मार्केट टाइम्स टीवी और दूसरे विभिन्न टीवी चैनल्स पे जिन्होंने हमारी बात सुनी समझी आज वो नाच रहे हैं, उन चेहरे उनके खिले हुए हैं क्योंकि लगभग उनको 30% का फायदा लगभग 1.25 महीने में ही दर्ज हो चुका है। और अब आपका सवाल यह है कि सरकार क्या करे, सरकार क्या पोल्ट्री फॉर्म की बात सुने, सरकार क्या किसानों की बात सुने, लेकिन प्रश्न यह है कि पोल्ट्री फॉर्म की बात क्यों सुने जब सरकार ने उनको इंपोर्ट का लाइसेंस दे दिया था, इंपोर्ट की इजाजत दी थी, उन्होंने पूरा इंपोर्ट नहीं किया, बाजार से भी उन्होंने 5000 के भाव जब सोया था उन्होंने माल नहीं खरीदा, अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो आप उसकी अवधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो चिट भी मेरी और पुट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? क्या किसान हमेशा परेशान रहेगा? क्या पोल्ट्री फॉर्म की तरफ देखे सरकार, जो कि उन्होंने अच्छी बॉल पे चौका मारने से वो चूक गए, उन्होंने पूरा डीओसी का इंपोर्ट नहीं किया और कच्चा जब सस्ता माल था उस वक्त उन्होंने माल नहीं खरीदा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये न्यायोचित होगा कि सोयाबीन के किसानों को इन पोल्ट्री फॉर्म की गलती की सजा दी जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो मुर्गी पालक हैं उनको और दूसरी पशु आहार भी उपलब्ध है, मक्का का ये इस्तेमाल करते हैं, बाजरा का ये इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो कमी पूर्ति है वो उससे कर सकते हैं। तो मेरी नजर के अंदर सरकार को किसी भी रूप में पोल्ट्री फॉर्म के दरखास्त के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, और यदि वो मिलती है तो ये किसानों के हितों पर कुठाराघात होगा और सोयाबीन की फसलों को उगाने वाले किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं किसानों की तरफ से और मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर अपना मत देता हूं, यदि किसी को पसंद नहीं आए तो कोई एक अलग बात है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, इसमें मैं किसानों के साथ हूं। जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि जब सोयाबीन के भाव सोया खली के आयात के चलते गिर चुके थे तब पोल्ट्री वालों को माल खरीद कर रख लेना चाहिए था, क्योंकि सोयाबीन एमएसपी से भी आधी से भी नीचे रेट पर गिरती नजर आई थी, ऑन द पौने दाम पर सोयाबीन किसानों ने अपनी सोयाबीन बेची है, नीचे में 1200-1300 तक सोयाबीन के दाम जाते नजर आए थे, तब पोल्ट्री ने सस्ते दामों पर माल नहीं खरीदा, इनफैक्ट एमएसपी से भी आधे से नीचे जाता हुआ नजर आया था, तब पोल्ट्री वालों ने इतना भी नहीं सोचा कि उनको उस समय
उस दाम पर अपना स्टॉक कर लेना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही किसानों सोयाबीन किसान को कुछ फायदा होने लगा, पोल्ट्री वाले फिर से सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखने लगे और मांग करने लगे हैं कि जो सोया खली के आयात की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन सोयाबीन किसानों का ये सवाल है कि जब सोयाबीन का बुआई के समय बीज महंगा मिल रहा था तब आयात नहीं किया गया, आयात होता तो सोयाबीन बीज उपलब्ध होता और सोयाबीन किसानों को इतनी मेहनत मशक्कत ना करनी पड़ती, इतना नुकसान ना झेलना पड़ता। दूसरा, अब जब सोयाबीन किसानों को कुछ फायदा होने लगा है तो पोल्ट्री फिर से सरकार से मांग करने लगी है, और जबकि गलती जो थी पोल्ट्री की ही थी कि जब MSP से सोयाबीन नीचे लुढ़क चुकी थी तब सोयाबीन का स्टॉक क्यों नहीं किया, जब पोल्ट्री वालों के लिए अच्छे दाम थे तब पोल्ट्री ने क्यों गलती करी और स्टॉक क्यों नहीं किया। तो सोयाबीन किसान लगातार पोल्ट्री वालों से ये सवाल पूछ रहा है, और सोयाबीन किसानों का कहना सही भी है क्योंकि जब गलती पोल्ट्री कर रही है, निचले स्तरों पर भी खरीदारी नहीं कर रही है सोयाबीन की, तो उनकी गलती का खामियाजा सोयाबीन किसान क्यों भुगते। कर्नल जी, यहीं से बात करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में आज आपको क्या लगता है, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आज ज्योतिष के हिसाब से किन कम्युनिटीज के अंदर मंदी तेजी की संभावना है? अखिलेश जी, कल आपको याद होगा बेस मेटल्स में हमने आपको एक अद्भुत अपडेट दिया था, और वो अपडेट था कि निकल, एल्युमिनियम और लेड के अंदर, जिंक के अंदर तेजी बढ़ेगी, और कल ऐसा देखने को मिला भी। और गोल्ड के ऊपर हमने आपको कहा था कि $1982 पे जो है वो एक अच्छा सा अटैक रखना, $1882 पे जो गोल्ड है इस गोल्ड का एक परफेक्ट लेवल है, इन लेवल्स के ऊपर गोल्ड को बाय करके चलना चाहिए और शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी शॉर्ट सेल तो नहीं करना चाहिए। अब देखिए बाजारों के अंदर जिन्होंने मार्केट टाइम्स का ये एपिसोड देखा था उसको लगातार फायदा हो रहा है। आज मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर रात्रि कालीन में कुछ हो सकता है कि अच्छी मूवमेंट बन जाए, और इसको बेस मेटल्स में कॉपर को शॉर्ट करने से बचना चाहिए, यानी शॉर्ट सेल यानी बिकवाली करने से बचना चाहिए, ये मेरा कहना है। हो सकता है कि कल परसों के अंदर अच्छी मूवमेंट बन जाए, तो एक तो महत्वपूर्ण ये बात है। दूसरा, नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर कुछ कच्चे तेल में कुछ गिरावट की संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कच्चे तेल ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी पहले, पिछले 7 सप्ताह लगातार तेज गिरावट थी, उसके बाद में हमने तेजी की बात कही है, कच्चे तेल ने अच्छी मूवमेंट भी दी, और लेकिन आप कच्चे तेल में थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए, क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, हाथ रोक के काम करना चाहिए। जी अखिलेश जी, जी कर्नल जी, यहीं से बात करें अगर आज के शेयर मार्केट की, तो आज शेयर मार्केट में कैसा रुझान रहेगा, कितना उतार चढ़ाव रहेगा, किन शेयरों में आज अच्छा मुनाफा कमाना देखने को मिल सकता है? अखिलेश जी, आपको याद होगा कल संभवतः यानी कल के अलावा मैं परसों की भी यदि बात करूं तो इस चैनल के ऊपर जो शेयर बाजार की बात कही थी, उस वक्त जब 2 दिन पहले लगातार निफ्टी और सेंसेक्स में नीचे के लेवल देखे जा रहे थे, 1000-1900 पॉइंट डाउन था, उस वक्त हमने यही कहा था कि अभी ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, अच्छा क्वालिटी स्टॉक जो आपने मिस किया है उसको आप बाय कीजिए, आने वाले 2-3 दिन में आपको मुनाफा मिलने की संभावना पूरी पूरी बनती है। ऐसा सा ही कुछ मुझे होता नजर आ रहा है। कल भी निफ्टी के अंदर बहुत डबल सेंचुरी लगी, आज भी निफ्टी के अंदर डबल सेंचुरी लगी, सेंसेक्स ने कल 900 पॉइंट से ऊपर की तेजी दिखाई दी, और आज भी सेंसेक्स ने जबरदस्त उछाल दिखाई दिया। जो स्टॉक्स हमने आपसे चर्चा किए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC बैंक, MCX, NCDX, इन सभी के ऊपर जबरदस्त मुनाफा हमारे दर्शकों ने कमाया। आज भी मैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर सकारात्मक रुख रखता हूँ, चाहे HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, और बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी की संभावना बन सकती है, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स के अंदर भी आज नजर रखी जा सकती है। गौरतलब है कि शेयर बाजार का वो बाजार है जिसमें आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरा लॉट खरीदना पड़े, आप पूरा फ्यूचर खरीदना पड़े, उसमें आपकी अपनी क्षमता अनुसार आप एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं। जैसे SBI की तरफ देखें, यदि 487 रुपए का भाव है, यदि आप चाहें तो 487 रुपए का भी आप निवेश कर सकते हैं, ये शेयर बाजार में सबसे अहम बात है। तो इसके अलावा MCX के ऊपर भी आपको चर्चा की थी, आपको याद होगा कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर ये यही कहा था कि आपको कुछ 2-3 शो पहले कि एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें कमोडिटीज
ट्रेडिंग की एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज के रूप में है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम रखता है, बुलियन है, मेटल है या क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटीज है, तो इसके अंदर नुकसान की संभावना बिल्कुल कम होती है और इसके अंदर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है इनकी इसकी आमदनी बढ़ती जाती है और यही NCDX के ऊपर है। तो ये जो एक्सचेंज है, चाहे BSE, NSE है, MCX है, NCDX है, इनके स्टॉक्स या इनके शेयर के अंदर अब निवेश किया जा सकता है लंबे समय के लिए। ये एक सुरक्षित निवेश के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और तो विशेष ख्याल रखें, शेयर बाजार के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल शॉर्ट करने की हिम्मत ना करें, ये इसमें तेजी की संभावना है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी मुझे थोड़ी सी तेजी नजर आती है क्योंकि ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट आ रहा है इससे लोगों के अंदर जो जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है वो भी मेडिकल इंश्योरेंस लेने में बाध्य होंगे, वो भी उसकी तरफ जाएंगे। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, चाहे वो SBI लाइफ हो या HDFC लाइफ हो या ICICI हो, इन कंपनियों के अंदर भी आप नजर रख सकते हैं, इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे चर्चा करने जाऊंगा वो है कि ये सभी जानकारियां फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान की जिम्मेदारी ना विश्लेषक की और ना ही चैनल की होगी। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक, अध्ययन और अपने सलाहकार से भी जरूर याद कर लें, इसे भी आप सलाह कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे चर्चा करता हूं, जो हर शो में मैं कहता हूं कि अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्षमता से अधिक काम ना करें, ओवर लिवरेज बिल्कुल ना करें, जितनी शक्ति है उसके अनुसार काम करें तो आप लंबे समय तक इन बाजारों में टिके रहेंगे। क्षमताओं से अधिक काम करना, ज्यादा लालच करना और जल्दी घबरा जाना, ये इस बाजार के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने वो अपनी पूरी टीम के साथ में रिसर्च कर आप तक ये बात पहुंचाई है, आप इसको अपना अध्ययन करें, समझें और फिर कोई निवेश करें। जी अखिलेश जी। जी कन्हर जी, तो कुछ ऐसा रह सकता है आज ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से, टेक्निकल बेसिस के आधार पर और फंडामेंटल के आधार पर आज का शेयर बाजार और आज का कम्युनिटी मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे से जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी ज़रूरी बातचीत करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट MCV पर। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।